और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मिल रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सकती है। चिराग पासवान नहीं कह रहा, आप सब बिहार के किसी मजबूती से सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे के साथ सामने आया है। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लोगों ने एक अपार जन समर्थन अपना दिया, लगभग 6% के करीब मत मिला, वो भी तब जब अभी 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो यकीनन ये मत प्रतिशत 12 से 14% का होता और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इसीलिए आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी और जिस दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाएगा, बिहार से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान होगा। साथियों, सबसे पहले मैं प्रेस मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों का धन्यवाद करूंगा इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह करूंगा थोड़ा पीछे और शांति से रहें, एक बार प्रेस वार्ता हो जाए फिर हम लोग सब साथ में बैठेंगे। प्रेस मीडिया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में तमाम तरीके के प्रावधान है कि किस तरीके से बिहार में रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से बाढ़ की समस्या से निदान पाया जा सकता है, किस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तमाम इन विषयों पर समाधान के साथ सामने आया है। इसीलिए साथियों, आज पुनः आप सबके माध्यम से जहां मैं अरवल की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, वहीं आप लोगों को इस बात का अपने में इस बात का परिचय है कि अगले जो मध्यावधि चुनाव बिहार में होंगे, और मैं पुनः इसको दोहराता हूं, मध्यावधि चुनाव, क्योंकि ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी यह असंभव है। बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और उस चुनाव परिणामों के बाद
अगली जो बिहार में सरकार बनेगी लोक जनशक्ति पार्टी की, उस सरकार में एक अहम भूमिका होने जा रही है। जिस तरीके से इस आशीर्वाद यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, भले वो बुजुर्ग हो, महिला हो, लड़के हो, लड़कियां हो, युवा वर्ग के लोग हो, ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से आज के बिहार और बिहारी मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। और जिस तरीके से उनका समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मिल रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सकती। चिराग पासवान नहीं कह रहा, आप सब बिहार के किसी भी गांव, किसी भी पंचायत, किसी भी प्रखंड में चले जाइए, किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए, ये खुद बिहार के लोग इस बात का की गवाही दे रहे हैं। और कारण है इस बात की गवाही देने का, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने पिछले 15 साल से बिहारियों के साथ छल करने का काम किया, शिक्षा के नाम पर हो, रोजगार के नाम पर हो, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हो, आज भी बिहार का युवा पलायन करने को मजबूर है। आज भी बिहार में जिस तरीके से स्वास्थ्य के गिरता स्तर हो, अपराध का बढ़ता स्तर हो, और या फिर यहाँ पर चौपट होती कानून व्यवस्था हो, ये अपने में इस बात की जिम्मेदार है कि मौजूदा मुख्यमंत्री, मौजूदा बिहार की सरकार से बिहारवासी पूरी तरीके से अपना विश्वास खो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे पिताजी के, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामदास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। और ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक जिले से होती हुई गुजर रही है, और ये आप सबके तस्वीरों में, आप सबके कैमरों में ये तस्वीरें आई हैं। आप सब इसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि जिस जिस जिले से भी ये आशीर्वाद यात्रा होती हुई गुजर रही है, एक अपार जन समर्थन, जन सैलाब इस आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है।